हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोगों ने आईआईटी एग्जाम 24 का एग्जाम दिया होगा तो आपको पता है काउंसलिंग प्रोसेस आईआईटी एग्जाम के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल कर चुके हो। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीसीएमएन के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मतलब वो एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई एनआईटी के काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, मतलब सीसीएमएन के काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होंगे, आप एनआईटी में एडमिशन के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो आज के सेशन में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं कि क्या उम्मीद है, कब से स्टार्ट हो सकते हैं। तो चलिए आ जाता हूं मैं यहां पर। तो ये एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने लास्ट ईयर का डेटा लेकर आया हूं कि लास्ट टाइम 2023 में आईआईटी जैम सॉरी सीसीएमएन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हुए थे। तो देख सकते हो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब इन्होंने स्टार्ट किया था 5 जून 2023 से। तो नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, इनका स्टार्ट करने का तरीका ही होता है काउंसलिंग प्रोसेस, जैसे ही जैम के ना चारों एडमिशन लिस्ट आ जाते हैं उसके एक दो दिन में या उसी दिन से ये लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना। या ऐसे भी कह सकते हो कि जैम में अगर दो तीन राउंड हो जाते हैं एडमिशन के तब यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाता है। और फर्स्ट राउंड इनका कब डिक्लेयर किया गया था, 29 जून को। अगर मैं सेकेंड राउंड एडमिशन लिस्ट की बात करूँ तो 8 जुलाई को, और थर्ड राउंड की बात करूं तो 13 जुलाई को किया गया था। तो लास्ट टाइम इन्होंने 5 जून 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था सीसीएमएन के काउंसलिंग के लिए, अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और अब हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई 2023 के लिए, अब हम बात करते हैं 2022 में कब स्टार्ट हुआ था। तो चलिए आ जाते हैं। तो उससे पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट या इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं कि अगर आप लोग आईआईटी जैम स्वेट पूजी एनबीएचएम टीएफआर या किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड कर रखा है तो बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, पेपर एनालिसिस देखना, आपको पता करना कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, कट ऑफ है, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आईएफएस के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्वेट के लिए, एनबीएचएम, टीएफआर, तो सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी जानकारी सारी चीज़ें आईएफएस के ऐप में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड करिए। बस ध्यान रखना जब आप डाउनलोड करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाएगा, रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आपको एग्जाम सेलेक्ट करना आईआईटी जैम मैथ्स एग्जाम को सेलेक्ट करना और अपने आप को रजिस्टर करके फिर लर्न फ्री सेक्शन में जाइए और ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर। तो ये था सीसीएमएन के काउंसलिंग प्रोसेस पे जो कि 2023 में आप लोगों ने देखा कि 5 जून से स्टार्ट हुआ था। अगर मैं बात करूँ 2022 में तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि स्टार्ट इन्होंने किया था 23 मई से। मतलब यहाँ पर एक हमें आइडिया मिलता है कि सीसीएमएन के जो काउंसलिंग प्रोसेस है ना, नॉर्मली लास्ट मई में या स्टार्ट जून में स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इस बार का भी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा 10 जून आप कह सकते हो 25 मई से लेकर 10 जून के बीच में आपका सीसीएमएन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बीच में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पिछले दो साल का डेटा था, यहाँ से एक आपको आइडिया लग गया होगा। और उसके साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान में रखना, जैसे कि जैम का जो फर्स्ट राउंड एडमिशन लिस्ट डिक्लेयर होता है, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, नॉर्मली ये क्या करते हैं, जैसे ही फोर्थ राउंड डिक्लेयर होता है ना उसी वक्त सीसीएमएन की रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाता है, थर्ड या फोर्थ राउंड तक ओपन कर देते हैं ताकि जिन स्टूडेंट को आईआईटीज में एडमिशन मिलने के चांसेस कम हो वो सारे स्टूडेंट एनआईटीज में अप्लाई कर सके। तो इस हिसाब से इनका शेड्यूल रखा गया ताकि आपको आईआईटी का पता चल जाए कि भाई आईआईटी में आपका एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग जब आपको आईआईटी मिल रहा है अच्छी बात है, अगर थोड़े से चांसेस गड़बड़ आपको लग रहे हैं तो फिर आप लोग एनआईटी के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो और एनआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर एमएससी करने के लिए आईआईटीज के बाद कोई बढ़िया ऑप्शन है तो ऑब्वियस सी बात है वो एनआईटी ही है। तो आप पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे स्टूडेंट को आईआईटी में मिल जाए जगह, अगर नहीं मिलते तो फिर आप लोगों को सीसीएमएन के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना ताकि आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच।